मनसा वाचा व्रत तथा आम जन में आस्था का एक महापर्व है और इस व्रत के अवसर पर जो भी भक्त होते हैं वो चार माह तक इस व्रत को करते हैं और आज के दिन उद्यापन होता है और इस अवसर पर हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में भक्त शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं और उद्यापन करते हैं। क्या है इस व्रत की महिमा और क्या है इस व्रत की विधि और क्या कह रहे हैं भक्तगण, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मन की सभी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला मनसा वाचा व्रत, यह व्रत बड़ा महिमा वाला है, बड़ा महत्व वाला है और इस व्रत को जो भी एक बार करता है वह बार बार करता रहता है। अपने जीवन को सर्वांग पूर्ण बनाने के लिए यह व्रत अति महत्वपूर्ण है और कलिकाल में है भी यह सरल। आम जन से लगाकर खास जन तक यह व्रत करते हैं। श्रावण महीने से यह व्रत शुरू होता है और कार्तिक महीने में पूर्ण होता है। चार महीने तक हर सोमवार शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और जब पूर्ण होता है तब उद्यापन होता है। कार्तिक महीने में यहाँ आप देख रहे हैं ये महिलाएं व्रतार्थी महिलाएं पुरुष हैं जो शिव भगवान की विशेष पूजा आराधना कर रहे हैं और इस व्रत को कौन कर सकता है, क्या इसके नियम हैं और क्या इसकी महत्ता है, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। मनसा वाचा व्रत कथा का उद्यापन हो रहा है और हम बड़ी होली के शिव मंदिर में हैं। यहाँ पर विधि विधान से मनसा वाचा की पूजा अर्चना के तहत शिव भगवान की पूजा अर्चना की जा रही है। आप देख रहे हैं बहुत ही आकर्षक श्रृंगार शिव भगवान को धराया गया है और विशेष करके आज विविध षोडशोपचार से पूजा और अर्चना की गई है। हमारे साथ में पुजारी जी हैं, आप बताएं क्या नाम है आपका और किस विधि विधान से आपने पूजा अर्चना की जी बताएं। ये मनसापूर्ण कामना के लिए व्रत करते हैं, जो चार वर्ष भी करते हैं, कोई बारह करते हैं, कोई सोलह करते हैं, कोई आजीवन भी करते हैं। उसके अंदर हर एक की मनोकामना मैंने अपने उम्र में मैंने आज 52 साल से व्रत कर रहा हूँ। 52 साल में कई अच्छे अच्छे जो उद्यापन के पहले उनकी मनोकामना पूरी हुई है। तो ईश्वर हमें जो हर एक की मनोकामना श्रद्धा से करते हैं, सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। और प्रत्येक सोमवार को क्या करते हैं? प्रत्येक सोमवार को कथा सुनते हैं और शिव का पंचामृत स्नान करवाते हैं और व्रत रखा जाता है। सो बताओ। जय महादेव। आज चौथ का उजमना है, आज सवेरे से ही औरतें सारी जल्दी उठ गई है और नहा धो के शिव मंदिर आ गई है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने चूरमा बनाया, चूरमा लेके शिव जी के मंदिर आए और यहाँ पूजा अर्चना की है और अभी चूरमा चढ़ेगा भोलेनाथ के और सब मनोकामना पूर्ण करते हैं। भोलेनाथ 24 साल से मैं व्रत कर रही हूँ, मेरे सब अच्छा हुआ है भोलेनाथ की कृपा से। बताएं किस तरह से महिलाओं में उत्साह देखा जा रहा है इस व्रत के प्रति? इस व्रत को लेकर महिलाओं में बहुत उत्साह होता है। मेरे भी 16 साल के व्रत हैं, संपूर्ण हुए हैं। आज लास्ट सोमवार है, इसका उद्यापन है। हमने श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को एक व्रत लिया था, चार सरी की घाट का डोरा करके उसको हमने एक पूजा के लिए एक महादेव जी बनाया था जिसकी पूजा की हमने 4 मास तक। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को इसका उद्यापन है और आज हमने 4.25 शेर आटे और 1.25 शेर गुड़ और 1.25 शेर घी का चूरमा बनाया है। महादेव जी को भोग लगाया जाएगा आज। आज के दिन हमारे उद्यापन का दिन है। क्या आपने? मैंने अपने हस्बैंड के लिए की और सब परिवार को खुश मंगल रखो और सबकी मनोकामना पूर्ण हो। हाँ बोलो सर, क्या कहना? 17 साल सावन सुधी
जो सावन सुधी अमावस्या आती बाद में जोत आती है उस दिन हम व्रत लेते हैं और कार्तिक मास की जोत आती है उस दिन उद्यापन करते हैं। इसमें चूनमा बना रहे हैं क्या, किस किस का बनता है चूनमा? विशेष रूप से हमारे कार्तिक शुद्ध चौथ है जिसका चूना उद्यापन किया जाए और हम उद्यापन के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और आज के दिन हमारे यहाँ बहुत अच्छा माहौल होता है। लगा बच्चे सब दर्शन करते हैं भगवान के और नाचते भी हैं भगवान के लिए और यहाँ पर चूने का भोग लगाते हैं। सब नारियल चढ़ा हमने, अब हम चूने का भोग लगाएंगे, हमारे पता चल जाएगा। उसके बाद चूने का भोग फिर नाग बाबा के प्रसाद वगैरह दे के फिर हम हमारे जल वगैरह कहना। यह व्रत कलसी ज्योत कलसी ज्योत किया जाता है, इसमें व्रत औरतें स्त्रियाँ सुबह जल्दी उठते हैं, समय पर करते हैं, लड्डू चूरमा बना के भगवान को भोग चढ़ाते हैं। इसमें हमने व्रत किया है जी, बताएं। इस चूरमे के चार भाग होते हैं, एक भाग महादेव जी को लगता है, एक सुंदर भारत को लगता है, एक नाग बाबा को लगता है और एक हमारे से का निकालते हैं, बाकी प्रसाद बांटते हैं। आज पुलावाड अरेसर में सभी महिलाओं ने मनसा महादेव व्रत का उद्यापन किया। इस व्रत के अंतर्गत सभी महिलाएं अपने घरों में सवा चार किलो का चूरमा बनाती है और महादेव को भोग लगाती है। उसके बाद में अपना इसी चूरमे से व्रत खोलती है और इस प्रसाद को सभी व्यक्तियों में वितरित किया जाता है। आज सभी महिलाओं ने इस व्रत का बड़े हर्ष उल्लास के साथ पूर्ण किया क्योंकि यह चार महीनों से यह व्रत करती है और इस व्रत करने से सभी की इच्छाएँ भी इच्छाओं की भी पूर्ति होती है और सभी महिलाओं ने ईश्वर से प्रार्थना की कि सभी की मनोकामना पूरी हो। और आज जो आज कोरोना के महामारी से सभी व्यक्ति त्रस्त हैं, इस कोरोना को अब चला जाए और उस महामारी से इन्हें छुटकारा मिले तथा सभी की इसी के साथ महादेव मनोकामना पूरी करें। क्या नाम है? सरिता कुमार। अच्छा, क्या कहना है आपका? अच्छा, और क्या क्या व्रत में सावधानी रखनी पड़ती है इसमें? मतलब जब तक व्रत इससे पहले ना पानी वगैरह नहीं पड़े, जी फर्स्ट टाइम है मेरा व्रत। अच्छा अच्छा, मेरा भी फर्स्ट बार। और कैसा कैसा आनंद लगा? अच्छा लग रहा है। बताएं क्या नाम है आपका? चेतना नायक। अच्छा, क्या कहते हैं? बेदला निवासी भी हैं पर यहीं से लिया था व्रत जो आज उजमड़ा करने आए थे। कार्तिक शुक्ल चौथ है, समाधि जी का जिन्ना का है जो लड्डू बनाते हैं उसमें सवा से एक हिस्सा का लड्डू बना के भोग लगाया भगवान को, एक हिस्सा गाँव को खिलाया गाँव को, एक हिस्सा भगवान के, एक हिस्सा पंडित जी को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम स्वाति है। व्रत की आप जो भी मनोकामना रखते हैं व्रत करते हो मनोकामना आपकी जरूर पूरी होती है। आप बताओ आप क्या? 20 साल से व्रत कर रहे हैं, मनोकामना पूर्ण हो रही है। आप बताओ। दर्शन करना आए क्या किया है वो बता देना आप। आज आज क्या किया बताओ? क्या नाम है आपका? पूजा नाम है। अच्छा, क्या किया आपने आज? मनसा महादेव जी की पूजा करी आज। अच्छा, उसमें क्या क्या किया आज? मतलब कितने महीने तक व्रत करते हैं? 4 महीने तक व्रत करने पड़ते हैं और लास्ट टाइम में उजमना होता है उसका सेवा से लड्डू बनाने पड़ते हैं। अच्छा, पूजा करनी है। अच्छा, आप बताओ। ये मनसा महादेव का व्रत था, आज हमारा उद्यापन था, भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं। क्या व्रत है और क्या विशेषता है? ये मनसा वाचा कर्मणा व्रत है। हाँ, इसके करने से मन और वचन और कर्म के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है वो परिपूर्ण होता है।
ये यहाँ कम से कम 500-700 लोग थे जिनके द्वारा ये व्रत संपूर्ण किया गया। कार्तिक कार्तिक से माघ महीने तक का माघ से कार्तिक महीने तक किया जाता है, भगवान का भोग बनाया जाता है। सवा सेल को समाचार से रात का किया जाता है, महादेव को भोग लगाया गया है। इसी प्रकार से सभी महिलाओं के द्वारा पूजा की थी। अच्छा क्या क्या किया आपने? और इसमें क्या किया? 4 महीने तक व्रत किया। मैं आपका अच्छा क्या क्या कहना है आपका इस व्रत के बारे में? इस व्रत के बारे में इतनी सच्ची है कि मन चाहे फल भी मिलता है और जो नहीं कामना होती है वही सारा काम अच्छा होता है। अच्छा, तो मैंने नहीं सोचा वो कि मेरे अच्छा हुआ। अच्छा, इतनी सच्ची है। इस बार नहीं है तो मेरा इतना जी दुख रहा है इसलिए मैं प्रसाद ले आई। अच्छा अच्छा अच्छा, अगले साल से वापस। और 12 साल हो गए हमारे व्रत पर रहते रहते। तो मनसापुर महादेव है, सब मनोकामना पूर्ण करे। अभी जो छावा जो सब अपना देवे सब मनोकामना पूर्ण करा। भाई तो 4 महीना व्रत करा माँ, 4 महीना अपने में रखा सब उद्यापन करा कि लाडू बनावा सब भगवान मनोकामना पूरी करे। जो आप बोचे काम बढ़िया करे बोले ना, मनसापुर महादेव है ये तो सब मनसा पूरी करे। जय मनसापुर महादेव। आपका अच्छा क्या क्या सावधानी रखनी होती है इस व्रत में? बस व्रत का नियम पालन करना पड़ता है। नहाने के बाद डायरेक्ट मंदिर, जब तक कथा नहीं हो तब तक पानी वानी कुछ नहीं। और कितने महीने तक व्रत करना है? ये 4 महीने तक। अच्छा, 4 महीने तक क्या करते हैं इसमें? ये हर महीने व्रत होता है जो रात सावन से कार्तिक महीने तक होता है। मैं गेलो थे मेरे मेरे 10वां साल है। भोलेनाथ मेरे तो बहुत अच्छे पले मुझे, और जो औरतें करी उनके लिए सुन बहुत अच्छे व्रत है। वाह, आप बताओ जी, बहुत कुछ नहीं। कितने साल से ये व्रत कर रहे हैं? मैं कैलाश रक्षा, मैं 4 साल हो गया मेरा पूरा मनसा महादेव व्रत करते करते, ये मेरा लास्ट साल है। अच्छा, और जब लिया तो भी ऐसा लग रहा था कि यार क्या होगा क्या, मतलब लेने के बाद अच्छा रहा, प्रगति की हमने ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छा रहा। बहुत शंकर पार्वती जी का व्रत है, दोनों में भी ले रखा है हमने, और 4 साल से 1 साल छोड़ के फिर हम वापिस लेंगे इसको। अच्छा, 4 साल पूरे हो गए मनसा महादेव जी की मदद की है। आज जमुना है मनसा महादेव की जोत है। हेलो, ये भोलेनाथ जी ने बनाए हुए जो पहले जो महादेव की पूजा करने के सामने रखेंगे, इनको भोग लगवाएंगे, उसके बाद ये नाथ बाबा के रहेंगे। हर हर महादेव। मेरा नाम राधेश्याम मिरागी है। हाँ, बुरेगी चार भोलेनाथ और भोलेनाथ मनसापुर महादेव का पुजारी हूँ। और हर साल की तरह इस साल भी चौथ के दिन 150-200-250 मूर्ति कड़ी बनाती है। और आज उद्यापन है, उस उद्यापन की वजह से सारे माहौल अच्छे चल रहा है और कोरोना की गाइडलाइन के आधार पर काम कर रहे हैं। बताओ सूरजनाथ। अच्छा, कहाँ से आए? अजमेर से। अच्छा, और यहाँ पे क्या 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 प्रोसेस किया जाता है? हर साल चौथ पे दीपावली काली माँ चौथ पे शिव जी की पूजा की जाती है, मनसापुर महादेव का व्रत किया जाता है। इस कारण हम यहाँ पे आते पूजा करते हैं, नाथ जी की पूजा करते हैं, पूजा पाठ संपन्न करते हैं। अच्छा, और यहाँ पे क्या देते हैं आपको? चूरमा देते हैं प्रसाद के रूप में। अच्छा अच्छा, और खप्पर में देते हैं? अच्छा अच्छा, अजमेर में कहाँ रहते हो? गुलाब बाड़ी। अच्छा, मोबाइल नंबर क्या है आपके? 8 2 7 अजमेर। अच्छा, क्या क्या किया आपने? और इसमें क्या किया? 4 महीने तक व्रत किया।
बताओ। वंशा माचा, आज वंशा माचा भरत कथा के उजमने के दिन काकोली चौक में गोकुलेश्वर महादेव मंदिर में लोग महिला ने पुरुषों ने आज मंदिर में भजन कीर्तन तथा उसके पूजा अर्चना भी की है। महादेव की उजमने के साथ साथ चूरमे का भोग, महादेव को चूरमे का भोग भी लगाया गया, नाथ भी आए गए, उनको भी उनकी भी पूजा की गई और उनके साथ साथ सभी गाय बच्चों की, गाय की और तुलसा जी की भी पूजा की गई। आप बताइए आपका अनुभव कैसा रहा है आज का? हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा, हम सब महिलाएं मिलके इस व्रत को पूरा किया है हमने और प्रसाद भी बनाया है और भगवान का श्रृंगार किया है और सब ने मिलजुल के दीपक लिया है, लाए थे। बढ़िया है, हमारे बडलेश्वर महादेव जी है जो आज हमने पूला गाँव का बडलेश्वर महादेव जी है, ये हमारे जो आज हम सब महिला मिल के यहाँ प्रसाद बनाया और बांटा और भगवान से प्रार्थना की कि हमें कोरोना से दूर भगाए कोरोना को और हमारी बीमारी दूर भगाए और हमारे घर में सुख शांति दे। आप बताइए। हाँ, हमने मिलजुल कर 4 महीने का व्रत पूरा किया, 4 महीने का व्रत पूरा किया है महादेव जी का, इसलिए हमारे घर में सुख शांति होती रही। आप बताइए अभी नौजवान हो आप, आपने व्रत क्यों लिया है? हम 4 महीने से व्रत कर रहे हैं, आज हमारा उद्यापन था तो हमने लड्डू बनाए, 4 बजे उठ के लड्डू बनाए, भगवान का श्रृंगार किया, भगवान को भोग लगाया, एक सबके सबका आशीर्वाद लिया हमने और फिर भगवान से ये प्रार्थना की जो भी बीमारियां चल रही है सबसे पहले तो इनको इनको दूर करें। आप बताइए। बोले आप बताइए जी पार्षद साहब जी, आज खुला गाँव में मनसा महादेव जी का उद्यापन किया गया है, सभी औरतों ने मिलजुल कर ये पूजा की है, गांव में पूरे पूला गांव में है, महादेव जी का मंदिर है पुराना, यहाँ पे सभी एक साथ मिलकर उद्यापन करते हैं, सभी को प्रसाद बांटा, उसके बाद में सभी ने एक मनोकामना की क्योंकि इस साल कोरोना से गांव में काफ़ी मृत्यु हुई है लोगों की, इसे सभी महिलाओं ने मिलकर भगवान से प्रार्थना की है कि अब इस कोरोना महामारी से छुटकारा दिया जाए और सभी सावधानी के साथ इस व्रत का उद्यापन किया है। धन्यवाद। हमें इन सब औरतों से जानकारी मिली है कि यहाँ पे काफ़ी भारी संख्याओं में औरतों की भीड़ लगी हुई थी सुबह और काफ़ी भारी संख्याओं में भक्तों ने यहाँ पे मनोकामना पूरी की है। धन्यवाद। शिव की जो भी आराधना करता है उसे आर्थिक संकट से मुक्ति मिलती है और शिव ही ऐसा दाता है जो ओढ़रदानी कहलाता है, खूब देता है, छप्पर फाड़ कर देता है, बस मन लगा के उसकी पूजा अर्चना करें। मनसा वाचा का व्रत कोई 4 साल के लिए करता है, कोई 8 साल के लिए, तो कोई 16 साल और इससे ज़्यादा का भी करता है, बस नियम पूर्वक व्रत करना है। 4 भाग का चूरमा, 1 भाग ब्राह्मण को, 1 भाग नाथ को, 1 भाग वितरण करने को और 1 भाग केवल खुद को रखना है। कैसा आनंद है सर? 8 बजे में फ्री हो जाता। अरे करो तो, अरे तू करे नहीं सर, करो जो भी कर। अरे हाँ तू करे नहीं, रखे नहीं अंडर है। अबे काबड़ रखे नहीं, मार्केट में रखियो। वाह वाह भैया, मैं ये रखते सर, बट पूरा इस तरह दो यार तूने। अरे मैंने गा लियो, अरे कर वो चलो, अरे गाड़ी छोड़ के आओ, बाहर देखा लचो अंकल, अंकल कौन है जल्दी कर। हां पूरी लाइन लगे करीने सुटेगा। अरे मैंने जल्दी जल्दी कर दो भाई, जल्दी जल्दी कर दो थोड़ा का भाई। अरे फोटो में भेजिए बाइक में तोड़।
ए नरे अने ऑटो भी ना पासे भी ना मैं ठीक है ठीक है सब में एक यार का बोल यार ठीक है वो काम में तो वाह मैं भी तो बोलो मैंने तो सारा मत करके आ गया जो ना वो भाई आप बता दो ना टाइम तो लगाइएगा आराम के गाली अरे यार मीडिया पे जाने बैठ लो अपने बड़े हां की भी और बार बार ये बोल दो महाराज छह घंटा तक ना खोलेगा ये जो है शिव पार्वती का व्रत है, मनसा वाचा का व्रत है। ये औरतें आदमी वगैरह चार महीने तक ये व्रत करते हैं और चार महीने व्रत करने के हर सोमवार को जो पूजा करते हैं षोडशोपचार से, और फिर अपने जो महादेव जी हैं उनकी भी पूजा करते हैं। चार महीने तक एकदम बिल्कुल शरीर से शुद्ध रहते हैं और पूजा करके फिर अपनी मनोकामना सिद्ध करने के लिए ये व्रत करते हैं। तो उसमें क्या जो व्रत करते हैं उनकी कई लोगों की मनोकामना हो जाती है और उनकी जो है सब जो चार महीने तक जो है उनका खान पान भी जो है बिल्कुल शुद्ध रहता है और मन वाचा से भी जो है वचन से कर्म से बिल्कुल शुद्ध रहते हैं। और ये भगवान की जो है बहुत बड़ा व्रत है। तो उसमें क्या है कि जो भी व्रत करता है उनकी जो हर से भगवान सहायता करते हैं, मनोकामना पूरी होती है। उसमें जो है सब प्रसाद बनाते हैं, चार हिस्से किए जाते हैं, एक हिस्सा भगवान को धरते हैं, एक हिस्सा पंडित को देते हैं, एक साधु को देते हैं, आधा गाय को देते हैं, आधा पहाड़ देते हैं और सब प्रसाद देते हैं। Thank you.
Money!